अगर आपको फेसबुक पर इस तरीके से लिखा आता है इंटर पासवर्ड टू लॉगिन, तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप लॉगिन करेंगे अपने फेसबुक के अंदर, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है, उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। द पासवर्ड यू इंटर इज इनकरेक्ट, ठीक है, बट यू कैन हेल्प, इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं, चूज अ वे टू लॉग इन, मतलब आप किस तरीके से लॉग इन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अगर ईमेल एड्रेस अपने फेसबुक में ऐड कर रखा है तो उसके ऊपर एक ओटीपी वेरिफिकेशन कोड जाएगा और उसके बाद आप लॉग इन कर पाओगे पासवर्ड बनाकर, ठीक है। उसके अलावा SMS अगर आपने फ़ोन नंबर का भी यूज़ किया हुआ है अपने फेसबुक के अंदर तो भी आप वहाँ पर लॉग इन कर पाओगे। बाकी मान लीजिए अब ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं, ईमेल भी नहीं, इसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन है इंटर पासवर्ड। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपके पास पासवर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है, मस्टली पासवर्ड। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप अगली कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, या फिर आपका मतलब आपके पास तीनों में से एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, तो इसके लिए आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे आपको अपना जो है पासवर्ड ही यहाँ पे फॉरगेट करना है, और फॉरगेट के लिए आपके पास दोनों में से एक चीज़ होगी, यहाँ पे आपको लॉगिन कोड आपके जो भी ईमेल एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, उसके ऊपर भेजी जाएगी। बाकी कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।